गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड सेफ एट योर होम विद योर फैमिली एंड पेरेंट्स. ओके, टुडे वी विल डू न्यू लेसन, एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. दिस इज न्यू इन दिस क्लास, बट वी हैव ऑलरेडी डन इन योर फोर्थ स्टैंडर्ड. फोर्थ क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया बाय डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मींस एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना. ओके, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव. फाइन, पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता. कंपैरिजन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ओके, तो जैसे बिग है, बिग, बिगर, सबसे बड़ा होगा, बिगेस्ट. टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टियस्ट, यानी कि आप कंपेयर कर रहे हैं. जब आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कंपैरिजन करते हैं तो आप एक चीज के बारे में, एक थिंग के बारे में कंपेयर कर रहे हैं. ओके, जब आप सुपरलेटिव में कंपैरिजन करते हैं तो वो आप दो लोगों के बारे में कंपेयर करते हैं. लोग क्या, कोई भी चीज के बारे में आप कंपेयर कर सकते हो. जैसे कि सपोज मैंने ये लिखा है डिफिकल्ट, ठीक है. सपोज आई गिव यू थ्री क्वेश्चंस, मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए. आप कहोगे मैम फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, सेकंड इज मोर डिफिकल्ट, बट जो थर्ड है वो मोस्ट डिफिकल्ट है, ठीक है. यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में आपने कंपेयर करा तो आपको तीनों में फर्स्ट तो थोड़ा मुश्किल लगा, सेकंड उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन जो थर्ड है वो आपको सबसे मुश्किल लगा. ओके फाइन, अब आता है डिफिकल्ट में. इसको आप कैसे लिखोगे, मोर डिफिकल्ट? सेकंड में आप लिखोगे मोर डिफिकल्ट, थर्ड में लिखोगे मोस्ट डिफिकल्ट. ओके, ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट गुड, गुड, गुडर, गुडेस्ट कुछ नहीं होता. इट इज गुड, बेटर, बेस्ट. गुड के बाद बेटर एंड बेस्ट. डोंट राइट गुड, गुडर, गुडेस्ट, इट डजंट मेक एनी सेंस. देन बैड, वर्स, वर्स्ट, मतलब बुरा, उससे बुरा, वर्स्ट, सबसे बुरा, ठीक है. गुड ये अच्छा है, लेकिन बेटर सेकेंड में, और जो तीसरा है वो सबसे बेस्ट है. फाइन, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ओके, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. अब आपको याद आ गया, वी डिड दिस इन योर फोर्थ स्टैंडर्ड. ओके, नाउ आई एम सेंडिंग दीज टू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. यू विल डू दिस इन योर नोटबुक. डू इट प्लीज वेरी नीट एंड क्लीन, with very neat and clean handwriting and with good formation. Thank you.